Uh, hello dear students i hope you will be fine happy and healthy today today we are going to talk about uh, uh, unit 14 right uh, page number 166 and level 3 so first of all uh, communication we will talk about so in communication uh, we uh, mean communication mean what are the summary of the unit so in this unit we will learn these things or uh, talking about planes दियर विल भी डिस्कशन अबाउट डिफरेंट प्लेन मनसूबों के बारे में डिस्कशन uh, होगा आस्किंग अबाउट पोजिशन पोजिशन मीन कब्जे के बारे में बातें होगी मेकिंग कंपेरिजन मवाजने होगी कम्पेरिजन मीन मवाजने होगी में विद नेगेटिव स्टेटमेंट जब हम मन पी जुमले के साथ मुतफ़ होते हैं वही डिस्कशन होंगे टाइकिंग अबाउट पास माजी के मुख्त वाक़ के बारे में डिस्कशन होगा मेकिंग uh, चॉइस हम चॉइस कैसे कर लेंगे uh, वही डिस्कशन होगा कि हाउ टू मेक अ चॉइस अबाउट शॉपिंग और ख़रीदारी के बारे में भी डिस्कशन होगा शॉपिंग मीन खरीदारी के बारे में इन ग्राइमर दियर विल भी क्वेश्चन विद हुज़ हुज़ मीन किसका हुज़ के साथ क्वेश्चन होगा क्वेश्चन विद हुज़ सिमिलरली

कीमत spent, spent. Cost, 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 आना और कीमत आया द सेमस्ट वन पेड अदा करना और अदा किया राइट ब्लो ब्लू ब्लोन फूंक मारना और फूंक मारा uh, similarly cut, 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 cut काटना और काटा द सेम फुट put, put, पुट आ रखना लाइट रोशन करना लेट लेट रोशन किया लाइट लेट लेट सेंग, सेंग संग, गाने गाना और गाया और ये पास्ट फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टीच टॉट टॉट और टीच टॉट टॉट पढ़ाना पढ़ाया पढ़ाया वी विल डिस्कस ऑल दिस वर्ब इन दिस यूनिट फॉर्मिंग नाउन फ्रॉम वर्ब वर्ब से हम नाउन कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टी आई ओ इन राइट सो इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन जस्ट लाइक दैट वी विल इनशाला डिस्कस इन डिटेल क्वेश्चन विद विच इेग्युलर पास टेंस आप ब्लो कट लाइट फुट सिंग टीच वी टॉक्ड अबाउट दीज वर्ब्स एंड एंड स्किल राइटिंग अबाउट फार्टी पार्टी कैसे लिख लेंगे पार्टी के बारे में एंड लिसनिंग टू अ फोन कॉल जब हम फोन कॉल सुनते हैं तो वो कैसे सुन लेंगे रीडिंग अबाउट एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ या और एंडेंजर्ड मीन पुरखा जो खत्म होने के करीब है वही वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे तो दीज आर द क्रक्स आर द समरी ऑफ द यूनिट वट्स द टाइटल अवे फ्राम होम घर से दूर है अभी वह एलिनर मीट्स अ फ्रेंड, फ्रेंड फ्राम मेडिकल स्कूल डॉक्टर मेली कॉरसन एलर अपने एक सहेली से मिलती है मेडिकल कॉन्फ्रेंस में और उसकी नाम डॉक्टर मेली कॉरसन है एट द कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस नूबी में था वहाँ पर वह एक दूसरे से मिलते हैं सो वर्डज मेली से गुड एलिनर तुम एलिनर हो एम सरप्राइज टू सी यू हियर आपको यहाँ देखकर मैं हैरान हो गया हो गई कि आप भी इधर इस कॉन्फ्रेंस को आई है सो एलिनर जवाब देती है मेली दिस इज अ सरप्राइज ये हैरानगी की बात है सरप्राइज मीन हैरानगी राइट सरप्राइज हैरान की बात है मेली दिस इज अ सरप्राइज्ड आई डेंट नो यू आर कमिंग टू दिस कॉन्फ्रेंस मुझे ये पता नहीं थी कि आप भी इस कॉन्फ्रेंस आ रही है हाउ वंडरफुल ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप आ गई होजचर आर यू गोइंग टू हु या किसके लेक्चर को आप जा रही है सो वर्ड डॉक्टर हसान मीन डॉक्टर हसान के लेक्चर को एफ्राफी से

डो यू हैव एनी प्लसर डो यू हैव एनी प्लान फॉर आफ्टर द लेक्चर सो आफ्टर द लेक्चर डो यू हैव एनी प्लान वी शुड गो फॉर साइट सींग वाइल वी आर हियर सो मेली नो आई डोंट नहीं मेरा तो कोई मनसूबा नहीं है तो एलिनर जवाब देती है वुड यू लाइक टू गो टू द आउट डोर मार्केट क्या आप आउटडोर मार्किट को जाना चाहते हो जो इस इलाके से ज़रा बाहर हो इनडोर और आउट डोर मार्केट हो आई सावली नेकलिस फॉर सेल इन द होटल गिफ्ट शॉप इस होटल गिफ्ट शॉप में मैंने कुछ ज़बरदस्त खूबसूरत लवली मीन खूबसूरत नेकलेस हार देख लिए इस होटल के शॉप में मैंने कुछ खूबसूरत हार देख लिए बट दे से बट दे कॉस्ट अल लेकिन ये बहुत महंगे थे महंगे थे कास्ट इस पर बहुत ज़्यादा आती थी दे से they are less expensive in the market. दे आर लेस एक्सपेंसिव इन द मार्केट दे मीन लोग कहते हैं कि वो कम महंगे हैं, लेस एक्सपेंसिव इन द मार्केट में वो कम महंगे हैं। उधर जाना आप चाहेंगे तो मिली गुड ये आईड लव टू एंड मे बी वी कैन टेक ऑफ दिटी वन डे टू शायद हम सिटी के चक्कर भी एक दिन लगाइए तो एलिनर जवाब देती है दैट वुड बी नाइस ये बहुत अच्छी बात होगी लेट्स सी आओ के जरा सोच ले आई कैंट गोट हमारो कल तो मैं नहीं जा सकती हो तो मेली ली no, नो oh आई no, मैं भी नहीं जा सकती हो हाउ अबाउट थर्सडे अगर जुमरात को जाओ तो कैसे होगी तो एलिनर क्या जवाब देती है डैट्स फाइन जुमरात तो बहुत अच्छा टाइम है आई थिंक देर आर टूर्स एट टू ओ क्लाक एंड फोर ओ क्लाक वेच वन इज गुड फॉर यू तो कौन से टूअर में आप जाना चाहेंगे तो गोड दन एट फोर इज़ बेटर चार ओ क्लाक वाला बेहतर है देन आई कैन अटेंड डॉक्टर यू जी लेक्ट पीरियड टू ओ क्लाक आई वेल अटेंड डॉक्टर यू जी लेक्ल सो मेली ओके दैट्स गुड फॉर मी टू मेरे लिए भी अच्छी बात है वट आर यू डूइंग ऑन फ्राइडे फ्राइडे पर आप क्या करती हो आई एम नॉट श्योर यट अभी तक तो मैं यकीनी नहीं हो कि मैं क्या कर लूँगी आई लाइक टू विजिट अ वाइल्ड लाइफ फॉर्क ओवर द वीकेंड हफ़्ते और एतवार के वीकेंड की जो छुट्टी है तो इस पर मैं एक वर्ल्ड लाइफ फॉर्क या जंगली हयात वाले पार्क को चक्कर पसंद कर लूँगा मिली वाइल्ड लाइफ पार्क मीन वर्ल्ड लाइफ पार्क को रेलिनर जवाब देते हैं येस यू कैन सी एनिमल लाइक एलिपेंट जेब्रा एलिपेंट ज़ेब्रास एंड रीनोज एंड दियर नेचुरल सराउंडिंग नेचुरल मीन कुदरती सराउंडिंग माहौल में आप ये एलिफेंट रीनोज और लाइन्स और ये सब कुछ वहाँ देख लेंगे इन द वाइल्ड लाइफ पार्क द एनिमल आर प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ पार्क में जानवरों की हिफाजत की जाती है प्रोटेक्टेड मीन बचाया जाता है उनकी हिफाजत की जाती है इट्स अगेंस्ट द टू किल देम ये कानून के खिलाफ है कि उन जानवरों को मार डाले। वाइल्ड लाइफ फॉर्क में तो मेरी क्या कहती है जू जू की बजाय एनिमल अगर मैं वही देख लो जहाँ पर वो आज़ाद हो तो ये मुझे मुझे बहुत मजा देगी तो एलिनर जवाब देती है देन वाई डोंट वी गो टुगेदर अवार्ड लाइफ फोक दिस वीकेंड देन वाई डोंट वी गो टुगेदर टू अवार्ड लाइफ पार्क दिस वीकेंड इस हफ्ते हम क्यों ना वाइल्ड लाइफ पार्क को जाए ताकि आपको भी मज़ा मिलेगी आप नेचुरल सराउंडिंग में वर्ल्ड लाइफ को देख लेंगे तो यार डियर स्टूडेंट दैट वाज द मेन एक्टिविटी यू शुड ट्राई टू लेसन इट अगेन एंड अगेन एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन वोकैबुलरी एन कॉन्टेक्स्ट द फर्स्ट वन टॉकिंग अबाउट प्लेन्स मनसूबों के बारे में बातें करना है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन एलिनर एंड मेली देन चूज द कोरेक्ट वर्ड्स टू कम्प्लीट दिस पेरेग्राफ चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड इफ़ नेसेसरी एंड द वर्ल्ड आर लेक्चर मार्केट नेचुरल सराउंडिंग प्रोटेक्टेड सरप्राइज सरप्राइज्ड टूअर जू so let's begin it. Elena had a good time at the conference. she attended several good lectures. so in the past one, lectures, and had time to do some uh, sightseeing too. one day she met an old friend from the medical school, melly carson. Elena was surprised, surprised, and happy to see her. She spent a lot of time together. One afternoon they went one afternoon. They went to the market and they also went on a tour on a tour of Nairobi. Seeing Meli was a nice surprise. Right? Helena told Meli about African wildlife forks. People can't kill animal and wildlife forks because uh, the animals are protected. Uh, Melly doesn't like zoos because the animals are not free. She likes to see free animal in their natural surrounding. Uh, so you will fill the blank places. If you have the book, try to read them. Try to learn the difficult word and try to read again and again in order to get full command upon them. I hope you will have learned, dear student try to share with all your friends and don't forget to remember me in your prayer thank you so much khuda hafiz